बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज मेरे मेहमान हैं जनाब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों के हकूक के लिए सर्व की है। वो ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों का तल्लक जम्मू कश्मीर से हो, कोई भी जो लोग हैं जो सफरिंग कर रहे हों, ओप्रेस्ड हों, उनके हक में उन्होंने आवाज़ उठाई है, ख्वाह वो सिंधी हों या मिसिंग पर्सन हों, बलोच हों, पख्तून हों, कराची वाले हों, पिंडी वाले हों या इंडियन साइड पर कोई लोग हों, सब के हक में वो आवाज़ उठाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो लाइफ एंड स्ट्रगल है उस पर रोशनी डाली जा सके या उनसे पूछा जा सके कि उन्होंने क्या क्या किया, और ताकि आप भी मुस्तफीद हों और उनकी जो है ना स्ट्रगल के बारे में हम सबको पता चल सके। तो जनाब मेरा मतलब शौकत अली कश्मीरी साहब से है जो आज मेरे मेहमान हैं। शौकत अली कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो यह है कि आपने बहुत लंबी स्ट्रगल की है, और जो आदमी स्ट्रगल करते हैं या किसी भी फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, और वो आमतौर पर कहा जाता है कि हर वो आदमी जिसने कोई कंट्रीब्यूशन दी है सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के लिए कोई काम किया या सोसाइटी के जो नाखुदा हैं उनको चैलेंज किया है वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो सेंस में आप भी कंट्रोवर्शियल हैं, मैं खुद भी कंट्रोवर्शियल हूँ, और मुझे इस पर फख्र है कि इसलिए कि हमने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप दुनिया में कुछ लोग तो आपको जानते हैं, कुछ नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई, गांव कौन सा था, इब्तदाई तालीम क्या से की, कहाँ हासिल की, तो फिर इसके आगे हम चलते हैं। फ्लोर इज योर्स। अब सब ये खासा मुश्किल सवाल है मेरे लिए, चूंकि हम लोग नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। शौकत अली कश्मीरी के लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं होता, आपने तो जनाब इतना एक्सपीरियंस हासिल किया है जिंदगी में, ये बात नहीं है। यकीनन अगर किसी और टॉपिक पे बात हो, सियासत पे बात हो, किसी कौमी तहरीकों के, कौमी आज़ादी की तहरीकों पे, या जैसे हमने पहले एक सीरीज शुरू की थी ग्रेट गेम के हवाले से, तो मैं सोचता था कि उसी को कंटिन्यू करेंगे और न्यू ग्रेट गेम जिसमें शंघाई का जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद के जोरो, लेकिन एनी हो वो भी किसी वक्त हम जरूर करेंगे, उसको भी जारी रखेंगे ताकि हमारे लोग समझें कि आज के जो कौमी सवालात हैं उनको इस ग्रेट गेम के पसे मंजर में और पेशे मंजर में समझने की ज़रूरत है। बहरहाल आपने मुझसे सवाल किया, मेरी जाय पैदाश जो है, मेरे गांव का नाम है पप्पेनाड़, और ये त्राड़खल सही इसका आगाज हो जाता है। अगर आप टूवर्ड्स त्राड़खल से पलंदरी की तरफ जाएं तो ये ऑलमोस्ट मेरा जो घर है वो त्राड़खल से कोई 3 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन हमारा इमीडिएट टाउन जो है वो त्राड़खल ही है और हमारी सारी एक्टिविटीज़ का मरकज भी आमतौर पर त्राड़खल ही रहा है। तो ये त्राड़खल कहाँ वाकया है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। देखिए त्राड़खल जो है वो बेसिकली जिला पुंछ में वाकया है, और जब ये स्टेट थी तो उस वक्त भी त्राड़खल जो है वो इसी का हिस्सा था। तकसीम जो 1947 में हुई तो त्राड़खल जो है वो पार्ट ऑफ रावलाकोट तहसील हुआ। आपको शायद याद हो कि जब तकसीम हुई तो उस वक्त रावलाकोट तहसील नहीं था, बल्कि तहसील जो है वो पलंदरी थी और दूसरी तहसील जो है वो बाघ थी, लेकिन ओवरऑल ये सारा जो है वो पुंछ कहलाता था, जिला पुंछ। तो बाद अजां जो है वो फिर जब तकसीम हो गया तो चूंकि रावलाकोट को एक मरकजी हैसियत हासिल थी और जिले ही हेडक्वार्टर फिर रावलाकोट बना, लेकिन नाम इसका जो है वो चूंकि रावलाकोट भी फिर एक तहसील और तहसील के साथ जो है वो जिले ही हेडक्वार्टर था जिसमें बाघ के लोग भी और हम सारे, यानी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी आज तहसीलें हैं, चाहे वो अब्बासपुर हो या कोहटा हो या त्राड़खल, ये सब एरियाज जो है वो रावलाकोट को ही एक जिले हेडक्वार्टर के तौर पर यहाँ जितने भी मरकज मरकज जो है रावलाकोट ही गिना जाता है।
लखकोट था। तो राव लखकोट से त्राड़खल को तकरीबन 20-21 किलोमीटर के फासले पे है टूवर्ड्स कोटली। तो अच्छा, मैं अगर ये जब गदर, ये गदर हम तो उसको गदर ही कहेंगे, गदर के बाद जो एक सो कॉल्ड कुमुद बनी थी उसका हेडक्वार्टर भी शायद इसी इलाके में नहीं था जी। ये कोई 8 किलोमीटर के फासले पे प्लंदरी की तरफ जो है ना, एक आप ये कह सकते हैं कि एक इलाका, एक इलाका क्या है वो, एक पूरा ये जो जंगल का एक सिलसिला था, तो इसमें इसको कहते हैं चुंजाल हिल। तो चुंजाल हिल में ये वाकया है जो मेरे गांव से तकरीबन कुछ 7-8 किलोमीटर के फासले पे है टूवर्ड्स प्लंदरी, और प्लंदरी से तकरीबन ये कोई 10 किलोमीटर के फासले पे है या 10 माइल के फासले पे होगा, 10-12। इसका मतलब यह हुआ कि आप और दारा हुकूमत जो उस वक्त थी इन्वर्टर से ज्यादा दूर नहीं थे। हाँ जी, वो हमारी बदकिस्मती की इब्तदा जो है वो इन्हीं दारुल हुकूमतों की वजह से स्टार्ट हुई। ओके जी, अब कैरी ऑन करें। ठीक है, तो बहरहाल मेरा, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं त्राड़खल से ही तल्लक रखता हूँ, और मेरी जो इब्तदाई तालीम थी यानी प्राइमरी और मिडल और इंटरमीडिएट जिसको मैट्रिक कहते हैं, ये भी त्राड़खल हाई स्कूल से हुई। ये एक वाहिद हाई स्कूल था तकरीबन, इसके गिर्दोनवा जिसको कहते हैं 36 मोजियात या तकरीबन कोई 3 लाख की आबादी जो है इसको कवर करता था ये स्कूल। और लड़के आमतौर पर तालबे इलम जो है वो, क्योंकि कुछ तो गिर्दोनवा में प्राइमरी स्कूल भी थे, कुछ मिडिल स्कूल भी थे, जैसे किला हो गया, बलोच हो गया, लेकिन या जंडाली हो गई, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो मैट्रिक है यानी 8वीं जमात के बाद वो आके तो त्राड़खल में ही उनको आगे फर्दर एजुकेशन जारी करने चाहिए, और ये एक हाई स्कूल था। तो मैंने भी यकीनन, चूंकि हमारे पास तो और कोई प्राइमरी स्कूल था नहीं, हम त्राड़खल के बहुत ही नज़दीक थे, तो प्राइमरी भी मैंने त्राड़खल से ही किया, त्राड़खल हाई स्कूल से किया, और मिडिल भी और मैट्रिक भी। तो प्राइमरी या हमारा जो मीडिया स्टडी था वो उर्दू था, आज भी उर्दू ही है, हमारी लोकल जबान में तो हमें नहीं पढ़ाया जाता। ये उर्दू जो है वो इम्पोज है सिंस मैनी ईयर्स, और आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 साल से भी ऊपर है, और मकामी जबानों को ख़ास करके आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, या हम तो इसको पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इसमें जो है वो मकामी जबानों में तालीम हासिल करने का कोई मेकनिज़म आज तक जो है वो नहीं बनाया गया, इसलिए मोस्टली जो है, और हमारे उस दौर में कोई जो प्राइवेट स्कूलों का कोई रवाज नहीं था, बल्कि थे ही नहीं। आमतौर पर जितने भी स्टूडेंट्स थे या जो पढ़ने के ख्वाहिशमंद थे उनको गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ना पड़ता था, और लोगों के वसाइल भी इतने नहीं थे कि वो फर्ज करें कि जैसे ग्रामर स्कूल लाहौर में या घोड़ा गली जो मरी में है इनमें जाके तालीम हासिल करते, उसके लिए जिस तरह के वसाइल दरकार थे वो बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के बेशतर लोगों को मैसर नहीं थे, और हमारे इधर तो बे इंतहा उस अतबार से वसाइल की कमी थी। तो मेरे वालद साहब जो है, जिनका नाम जो है वो सरदार जलाल खान था, और मेरे दो भाई जो, क्योंकि मेरे वैसे मेरे वालद साहब ने 2 शादियां की थी, तो मैं हम टोटल जो है वो 4 भाई थे। थे का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, पहले भाई जो सौतेले भाई, हमने सौतेला का तो हमारा कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन बहरहाल उनकी वालदा अलग थी, मेरी वालदा अलग, तो वो सरदार कमाल खान थे, वो उनकी भी डेथ हो गई है बल्कि पिछले कुछ 4-5 महीने पहले। मेरे बड़े दूसरे बड़े भाई जो है वो सरदार पारस खान, जिनको आप कह सकते हैं कि मेरे सगे भाई थे, और उसके बाद जो है वो अब्दुल अजीज नाम था तीसरे भाई का। तो मैं सबसे छोटा था बहन भाइयों में, मुझसे 2 छोटी बहनें
हैं, लेकिन भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। छोटा आमतौर पर लाडला भी होता है, तो इसलिए ऐसे आप भी लाडले ही रहे उनके वालदेन के। यकीनन, मतलब बहनें, भाई और वालदेन जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मेरा ख्याल भी बहुत रखते थे हर एतबार से। और जाहिर है उस वक्त कोई खिलौनों का तो रवाज था नहीं, अलबत्ता यह है कि कपड़ों कपड़े नए कपड़े जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त की सबसे बड़ी लग्जरी ये होती थी कि किसी के पास है दो तीन जोड़े कपड़ों के मैसर हूँ उसे साल में। तो मुझे इस अतबार से ये एडवांटेज हासिल था छोटा होने के नाते के बड़े भाई भी जो है वो कपड़े दे दिया करते थे, वालदेन की भी ये ख्वाहिश होती थी कि इसको कपड़ों के हवाले से किसी किस्म की जो है वो कोई तंगी ना हो। और मेरे वालद साहब की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश सिर्फ उनकी अपनी औलाद की हद तक की नहीं थी, बल्कि वो गांव के दीगर बच्चों को भी बहुत और उनके वालदेन को ये ताकीद करते थे कि बच्चों को स्कूल में भेजा जाना चाहिए और इनको घरेलू कामकाज में नहीं मसरूफ रखना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चे जो है इन अवेलेबल वसाइल के अंदर जो है वो पढ़ाई करें। और वो बल्कि मेरे वालद साहब अमूमन जो है वो चूंकि त्राड़खल में जहाँ कहीं बैठते थे कोई सलाम करने के लिए बच्चे मेरे साथ जो मेरे आमतौर पर क्लास फेलो होते थे तो उनके पास जाते थे तो वो सबसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर करते थे। उनके हाथ में अखबार होती थी तो वो अखबार हमारे हाथ में दे देते थे और कहते थे कि पढ़ो, इसकी सुर्खियाँ पढ़ो हैं। तो हम लोग सुनाते थे, जो सुनाता था तो उसको वो छोटी मोटी कोई मिठाई, उस वक्त मिठाइयाँ भी क्या होती थी वो जिसको हम बूंदियाँ कहते हैं या मखाने कहते हैं, वो लेके दे देते थे और पूछते थे बहरहाल के अगर भूख लगी हो तो। तो उस वक्त की जो सबसे बड़ी लग्जरी रेस्टोरेंट में बैठ के चाय और चाय के साथ जो है ना वो अगर एक आध बंद में असर हो तो। लेकिन हम स्टूडेंट्स आमतौर पर जब भी कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कोई चाय या बंद वो करते थे तो उस बंद के भी यानी हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम हर तालिबे इल्म जो है वो अपने लिए एक एक बंद अलग से ले ले, तो हम उसके ही जो है वो उसको कटवा लेते थे चार पांच पीसीज में और वो शेयर करते थे। और हमारा ये यानी बंद खाने का भी तरीका ही होता था कि हम चाय में डुबो के तो उसको खाते थे और वो बड़ा टेस्टी था। और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी हुसैन इस अतबार से यादें हैं। शुक साहब, यानी आम जो मैटर तो आपने किया त्राड़खल से, तो आमतौर पर होता है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं या पॉलिटिकल माइंड रखने वाले होते हैं उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैट्रिक से पहले भी शुरू हो जाती है। कोई आपकी भी कोई ऐसी याददाश्त है, कोई आपने किसी वेलफेयर के लिए काम किया हो या कुछ इस तरीके से काम किया हो जिसमें सिर्फ आपकी ज़ात इन्वॉल्व ना हो बल्कि दूसरों का भला हो? देखिए, इसमें ये था कि यकीनन प्राइमरी तक तो कोई खास समय सूझबूझ नहीं होती थी, लेकिन प्राइमरी भी में भी एक चीज ये होती थी कि गांव के वो लोग जो आमतौर पर बूढ़े होते थे उनका कोई काम काज नहीं होता था, खास करके काम काज करने वाला कोई नहीं होता था, तो उनकी मदद यकीनन हम और मैं सबसे बढ़ के, बल्कि मेरे वालद साहब कहते थे कि इसको जो है वो दूसरों की हाथ बटाई में बहुत मजा आता है और घर में ये कोई काम नहीं करता, तो इस अतबार से वालद साहब को ये एक वो थी। लेकिन वहाँ जो इज्तमाही होता खास करके सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ जो है वो ये होता था कि लकड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई गैस का कोई इंतजाम नहीं था ना बिजली थी, तो गर्मियों सर्दियों के लिए बाकायदा लकड़ी जंगल से काट के तो उसको रखना पड़ता था कि ताकि सर्दियों में जब बर्फबारी पड़ जाए तो उस जो वो जो लकड़ी थी उसी से सालन और रोटी भी पकती थी और खुराक भी, और साथ में घर को गर्म रखने के लिए भी। तो हमारे यहाँ दो तरह के दरख्त होते थे, एक तो जो है वो ब्याड़ के दरख्त होते थे और दूसरा जो है वो जो जिसको थोड़ी सी पक्की लकड़ी कहा जाता है जिसका ज्यादा देर तक वो जलती थी वो होती थी एक लोकल शायद उसको जो है ना तो वो बरियूं उसको कहा जाता है
पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन वो लकड़ी बहुत देर तक जलती थी और बहुत देर तक उसकी वो गर्मी देती थी। तो ये आमतौर पर वो लोग जो फर्ज करें कि जिनके बुजुर्ग जो है वो उनकी अच्छी सेहत होती थी वो तो खुद बना देते थे, या गांव में एक ये भी रिवाज होता था कि हम एक दूसरे का काम काज में इज्तमाही तौर पर हाथ बटाते थे। फर्ज करें किसी का कोई घर अगर टूट गया या बारिशों की वजह से कोई दीवार गिर गई तो आमतौर पर बरादरी के लोग जो है वो लोगों की मदद करते थे। तो खास करके मौसम सरमा के अंदर लकड़ी बनाने के लिए जो है ना, खास करके वो लोग जो जिनके बड़े जो है खास करके घर का जो सरबरा है वो कहीं मुलाजमत में बाहर है, तो औरत ही है या छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी लकड़ियां जो है वो बनाना गांव के उन लोगों की जिम्मेदारी होती थी जो नौजवान थे। तो मैं उस तरह के कामों में भी अक्सर हिस्सा लेता था, मतलब लकड़ियां बनाने में और उसको उनके घरों तक पहुंचाने में। लेकिन बहरहाल कोई ये सिलसिला तो जारी रहा, यानी आप ये कह सकते हैं कि मिडिल में, खास करके जब छठी और सातवीं आठवीं जमात तक बाद अजां जब, लेकिन इस अरसे में बज़्म अदब होती थी और बज़्म अदब में हमारे स्कूलों में बज़्म अदब होती थी और उस बज़्म अदब में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम होते थे। मतलब नातें सुनाई जाती थी, लोकगीत सुनाए जाते थे, तलावत का मुकाबला होता था, फिर ये है कि तकारीर भी होती थी, लेकिन वो तकारीरी मुकाबले जो होते थे वो अमूमन हमारे असातिज़ा लिख के देते थे उन बच्चों को जो जरा थोड़े से ब्लांट या बोलने की जिनमें ज्यादा सलाहियत थी। तो उस अतबार से हम छोटी उम्र में ही आप ये कह सकते हैं कि वो लिखी हुई तकरीरें रट के तो वो सुनाते थे और उसमें टीचर गाइड करते थे कि किस लफ्ज पे हाथ उठाना है, किस लफ्ज मौका को। मिला कभी, ऐसा मौका मिला मसलन कोई आमतौर पर गांव में, या आपने, मैं भी जो एक दयासी तलक रखता हूँ, जी पंचायत बैठती है या कोई फैसले करने पड़ते हैं, किसी के साथ इंसाफ होता है या किसी के साथ नाइंसाफी होती है, ऐसी किसी महफिल में बैठने का मौका मिला और आपने कोई कंट्रीब्यूशन की हो? मैं आपको ये बताऊं कि हमारे गांव में एक लड़ाई हो गई शेख कबीले के और सुदन कबीले के लोगों में और पड़ोसियों में एक दरख्त पे। तो यकीनन सुदन ज्यादा ताकतवर थे और उन्होंने औरतों को और मर्दों को काफी पीटा और बात अस्पताल तक जा पहुंची। तो लोगों ने ये किया कि जो बरादरी के मुअज्जिन थे उनने कोशिश की कि ये जो केस है ये पुलिस के पास ना जाए बल्कि इसको बरादराना तौर पर हल किया जाए। और आमतौर पर जो गरीब लोग थे उनके पास ना वकील के पैसे होते थे और थानों में भी आमतौर पर जो लोग अमीर या थोड़े से ज्यादा बासर होते थे तो वो थानेदार से मिल मिला के तो आमतौर पर तो लोगों को इंसाफ का उस वक्त भी एक फुकदान ही था। लोगों को ये कभी तवक्को नहीं होती थी कि पुलिस उनका केस ऐसा बनाएगी जो जैसी उनके साथ ज्यादती हुई है और उस ज्यादती का कोई तदारक होगा। तो लोग भी ज्यादा प्रेफर करते थे कि अगर कोई बरादरी की बुनियाद पे फैसला हो, और बरादरियां आमतौर पर वहां जुर्माने कर देती थी या जैसे गवाह होते थे उन गवाहों की। तो मैं भी एक आई थिंक कि मैं उस वक्त सातवीं में पढ़ता था तो एक इसी केस के हवाले से जो सुद्दन बरादरी और सुद्दन बरादरी क्या आप ये कह सकते हैं कि सुद्दनों का एक घर था और एक जो है वो घर था जो है वो हमारे शेख कबीले का, तो वो पड़ोस में रहते थे और सुद्दनों ने जोर जबरदस्ती से जो है ना उनका दरख्त काट लिया। तो जिसपे जिसको छुड़ाने के लिए कि भाई ये हमारा दरख्त है हमारी जमीन में है लिहाजा आप इसको नहीं उठा सकते, तो उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। तो इस पे बहुत बड़ा एक जिरगा बरादरी हुआ तो मैं भी उसमें अपने वाले साहब के साथ चला गया। तो मुझे अमूमन जो जिरगे बरादरी होते थे और भी, तो उनमें अपने वाले साहब के साथ जाने का बड़ा शौक होता था, लोगों की बातें सुनता था। तो लेकिन बाकी कभी किसी जिरगे में मैं नहीं बोला। तो वहां मैंने ये महसूस किया कि लोग आमतौर पर जो सवालात थे वो उन मजलूमों से ही कर रहे थे जिनकी पिटाई हुई थी, जिनके सर फटे हुए थे, किसी का दांत टूटा हुआ था। यानी जिनको मार पड़ी, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जरा उनसे हो रही थी, उनसे कटारे में वो खड़े थे। ठीक उनसे ज्यादा जिरह हो रही थी। है।
तो मुझे फील ये हुआ कि जैसे ये उन लोगों से नहीं पूछ रहे हैं जिन्होंने इनकी पिटाई की है, इनसे इनके साथ ज्यादती की है, और ये इन गरीबों को ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने अपनी जबान में पूरी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह अल्लाह आगे तुसे भी जान देनी, यानी आपने भी खुदा के आगे जान देनी है। आप इन मजलूमों को कोई दरख्तों ने नहीं मारा, इंसानों ने मारा, जिन्होंने मारा आप उनसे नहीं पूछ रहे हो और इन्हीं से बार बार सवालात कर रहे हो जिनके बेचारों का सर फटे हुए सामने नजर आ रहे हैं। और इसके बाद मैंने रोना शुरू कर दिया। ये अच्छा बात कह के तो मैं रोया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि बरादरी के अंदर एक गुस्से की लहर पैदा हुई। लेकिन वो जो जिन्होंने मारा था वो मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार थे, और उन्होंने यानी ये नाराजगी हमारी, चूंकि उसके बाद बरादरी ने बहुत हैवी किस्म का जुर्माना उन पे डाला और उनको वो दरख्त भी जो है ना वो वापस से उनको दिलवाया है। तो नतीजा ये है कि वो नाराज हो गए और आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4-5 साल तक हमारे घरों में आना जाना नहीं हुआ। और वाले साहब ने भी घर आके मुझे काफी डांटा कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी। और अच्छा मेरे जो ससुर साहब जो मेरी मिसेस के वालिद हैं, चूंकि उनके वो रिश्ते में भांजे लगते थे, तो उन्होंने भी बहुत खर्च किया। और अब तक के हमारे आना जाना जो है वो आप कह सकते हैं कि 3-4 साल तक जो है ना वो नहीं रहा। और बाद अजा बड़े मतलब यह है कि यूँ समझे कि फिर रियलाइज हुआ लोगों को कि भाई ये तो एक बच्चा था जिसको किसी ने कोई गाइड नहीं किया था, तो इसके इसकी बातों को बुरा बना के तो हम लोग क्यों। आपके एक्शन से लोग उस वक्त भी नाराज हो जाते थे और हाँ, उस वक्त भी नाराज हो जाते थे और आज भी मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव के जो जो गरीब लोग या जो कमजोर जिनको समझा जाता है, यानी वो उस ताकत में, वो आज भी मेरे बहुत वेल विशेज हैं। क्योंकि मैंने हमेशा यानी जब मैंने थोड़ा ज्यादा मशहूर हुआ या वकालत के पेशे से है, तो उन लोगों को मैंने बहुत ताफत देने की कोशिश की और हर जगह उनकी बात बेहतर अंदाज में पे, खास करके हमारे यहाँ आपको पता ही है कि जब शादी ब्याह होते हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई खातून जो है वो एक कबीले की दूसरे किसी कबीले के साथ जो है ना वो हमारे यहाँ तो उसको कहते हैं ना कि जी अगवा हो गई, हालांकि वो लव मैरिज होता था। तो इस पे भी मेरा नुकता नजर हमेशा जो है वो ये था कि जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और 600 साल से मुसलमान चले आ रहे हैं, तो प्रॉफिट ने तो किसी रंग नस्ल और रंग और कबीले की कोई फजीलत बयान नहीं की, बल्कि किरदार की बात की है। तो आप लोग जब अपने आप को मुसलमान कहते हो तो फिर इन रिश्तों के अंदर जो है वो कबीलों की बुनियाद पे ये लड़ाई झगड़े, किसी का घर जला देना, किसी को जाके मार देना, इस पे मैं हमेशा एहतजाज करता। लेटली मैं आपको बताऊंगा कि इस पे मैंने दो दो तीन वाकयात बड़े मशहूर हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत सफर भी करना पड़ा, बल्कि एक वक्त में तो एक तहरीक पेश हो गई कि इसको कबीले से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये हमेशा उन लोगों का साथ देता है और उन लोगों की बात करता है जो दरअसल जो है वो हमारे कबीले से नहीं होते। हालांकि आप गिटी बिल्ले के भी बागी थे, ठीक है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक टोपा सोन का एक वाक्य है, वहां एक सदन कबीले की लड़की जो है वो एक क्रैश कबीले के लड़के के साथ जो है वो चली गई। उन दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग थी लगता, लेकिन बदकिस्मती से वो पकड़े गए और उनको जो है ना वो यूं समझें कि जो बरादरी के जो लड़के थे वो उनको पकड़ के ले आए, और लड़के को उन्होंने गाड़ी के पीछे बांध के तो उसको पैदल वो किया। बाद अजां कुछ लोगों ने जाके तो वहां क्रेश कबीले के लड़कियों को, औरतों को, मर्दों को, बूढ़ों को बहुत उनकी पिटाई की। और ये रिकॉर्डेड केस है कि जिसमें 15 खवातीन जो है वो जो है उनके साथ गैंगरेप हुआ, 4 बच्चे जो है सोडमाइज हुए और फिर उनको मार के तो जो है वो गांव से निकाल दिया गया। और वो रावलपिंडी में आके एक काकड़ा गांव है उसमें खुले आसमान तले उन्होंने टेंट लगा के रहना शुरू कर दिया। तो वो बेचारे फरियाद लेके सभी लीडरों और सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के पास गए,
लेकिन हर एक ने ये कह के उनसे माजरत कर ली कि हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मतलब हमें आना जाना होता है, तो लोग जो है वो हमें खास करके बल्कि सरदार कयूम साहब के पास सबोदी जिंदा थे उनके पास के ये बरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, इनके पास भी गए, मुजीद मलक साहब के पास भी गए। मुजीद मलक साहब की हमदर्दियां तो उनके साथ ही, लेकिन उन्होंने कहा मैं कोई स्टेटमेंट या इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं अफोर्ड नहीं करता हूँ। तो मेरे पास ज्यादा पुराना वाक्य तो नहीं है ना, मजीद मलक की बात कर रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कर रहे हैं। नहीं, ये कोई 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 मतलब यह है ये ऑलमोस्ट ये 93 की बात है, 90s की बात है, बिल्कुल जी 90s की बात है। तो बिलाकर वो बता रहे फिर मेरे पास आ गए कि जनाब हमारी तो कोई नहीं सुनता, तो आपको ही वो करें। तो मैंने कुछ लोगों को फोन किया, मैंने कहा भाई ये केस है, मैं जब भी उठाता हूँ तो इसको बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि शायद है। तो उन्होंने कहा नहीं जी मतलब हम तो नहीं इसमें वो कर सकते। तो फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इस सारे वाक्य की तफसीलात जो है ना वो साफियों को बताई, कई सवालात हुए। उसके बाद हमने उन साफियों को ले गए कि भाई वहाँ खुले आसमान तले वो फैमिलीज बैठी हुई हैं जो जो तकरीबन कोई 75 के करीब जो है ना वो लोग थे वहाँ मौजूद, औरतें और बच्चे और बूढ़े। तो साफियों ने खास करके डॉन अखबार ने जो है वो इस पर काफी लिखा। तो अल्टीमेटली चूंकि उस वक्त जो है वो सदर जो है वो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब थे, और खालिद इब्राहिम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये जस्ट प्रोपेगेंडा है। उस वक्त लॉर्ड एवरी जो है वो रावलकोट के दौरे पे थे। अच्छा, उन दिनों की बात है, बिल्कुल ठीक, उन दिनों की बात है। तो लिहाजा ये इंडिया को खुश करने के लिए यहाँ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात की गई है और इस तरह का कोई वाकया हुआ नहीं है। अच्छा, सरदार इब्राहिम जा रहे हैं, वो भी सुदन कबीले के थे। हाँ जी, सरदार इब्राहिम साहब सदन के विले के थे और वो सदर आजाद कश्मीर थे उस वक्त, और बरिस्टर सुल्तान महमूद प्राइम मिनिस्टर थे। बल्कि डॉन अखबार ने जो वो टाइटल लगाया था ए टेस्ट केस फॉर सुल्तान महमूद चौधरी। अच्छा 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 ठीक। तो नतीजा ये हुआ कि साफियों ने चूंकि खुद स्टोरीज अपने उससे की, और मेरे साथ सरदार अल्ताफ खान साहब और शिराज कश्मीरी साहब और जावेद इकबाल साहब, बहुत सारे हम दोस्त मतलब यह है कि जो है ना जिन्होंने ये बकायदा मशावरत करके वो की, जिसमें आशिक हुसैन एक साफी हैं, बड़े मशहूर साफी हैं इस्लामाबाद में, वो साफत से वाबस्ता हैं। उस वक्त वो कश्मीर मीडिया सर्विस के साथ काम करते थे, नहीं एक एक, 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 एक जमात इस्लामी की एक न्यूज एजेंसी होती थी, उसका कोई कश्मीर इंटरनेशनल या कुछ इस तरह का नाम था। तो और बड़े रेनाउन थे और वो टुप्पा से ही तल्लक रखते थे। तो उन्होंने प्राइवेटली मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने वो किया, हम लोग तो नहीं ले सकते थे। और वो अभी तक जिंदा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई यहाँ स्विट्जरलैंड में बैठ के बात कर रहा हूँ। तो जब इस पे एहतजाज हुआ और अल्टीमेटली जो है वो लोग मजबूर हुए फिर फैक्ट फाइंडिंग, तो खालिद इब्राहिम साहब ने उस वक्त जो है वो एक पेशकश की कि इस वाक्य की तहकीकात जो है वो आसमान जहांगीर साहिब या अंसार बरनी साहब करें। तो हमने वेलकम किया कि भाई इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमारा जोर ये था कि आसमान जहांगीर इस वाक्य की तहकीकात करें। लेकिन अंसार बरनी साहब जो है वो बहुत इस पे बजिद हो गए कि मैंने तहकीक करनी है। तो मैं अंसार बरनी साहब को कराची के वक्त से जानता था और मेरा उनके बारे में फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ ज्यादा हुस्न-ए-ज़न नहीं था। तो बहरहाल हम मिले, मैं शिराज कश्मीरी साहब, जावेद इकबाल साहब और बहुत और भी दोस्त अवाब थे, मतीकुर रहमान साहब। तो उन्होंने बड़े उन्होंने कहा आपने इस इशू को पोलिटिसाइज किया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा भाई पोलिटिसाइज मतलब जब 3 महीने से उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी तो अल्टीमेटली हमें हमारे पास प्रोटेस्ट का और क्या, हम कोई बदला तो जाके नहीं ले सकते तलवार लेके। तो अल्टीमेटली हमने सारी दुनिया को और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसको किया कि भाई इसमें गवर्नमेंट ऑफ यानी चूंकि उन लोगों को गाँव से भी निकाल दिया गया हुआ है
और कई लोग हैं जो इनके साथ हमदर्दी रखते हैं, लेकिन वो ताकतवरों के सामने बोलने की जुरत नहीं करते। नतीजा ये है कि उन्होंने कहा ठीक है जी मैं जाता हूँ। मैंने कहा देखिए आप वहां जाने से पहले, मुझे जब लगा कि ये शायद कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो इस केस को खराब कर सकती, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं जानता हूं आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी, तो ये केस जो है वो मैज यहाँ का नहीं है, बल्कि इसको हम जनेवा तक ले जाएंगे अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी डंडी मारी गई या कोई बदमाशी की गई। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है। तो मैंने कहा ये लोग आपको कहते मैं वाकये पे मौके पे जाऊंगा। मैंने कहा आपको वहां जाने से पहले यहाँ जो लोग जो मजलूम हैं जो विक्टम्स हैं, आप विक्टम्स को पहले मिले और उसके बाद अगर आपने जाके जिन्होंने इनको विक्टमाइज किया है उनसे कोई बात करनी है तो आप बेशक वहां जाए। लेकिन खैर उन्होंने वो बात ना मानी और वापस जिस वक्त आया तो मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं ये रिपोर्ट दूंगा। वो रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी, बल्कि उल्टा ये किया कि तीसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जंजीरें पहन के तो वो इंडियन सफारत खाने इस्लामाबाद में बैठ के इंडियन साइड की ह्यूमन राइट्स जो खिलाफ वर्जियां हैं वायलेशन है उन पे और कोई स्टेटमेंट नहीं दी। फिर ये है कि चलो वो बहुत सारे लोग आए, उन लोगों को मतलब उस प्रेशर की वजह से मनवा के उनको वापस लेके उनको कंपनसेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ऐसे चीजें हैं जिनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको बहुत गैर मामूली जुरत, और उस जुरत का नतीजा ये होता है कि आपको उसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और इसमें जो उसके बाद जो एक एक बरादरी की एक मीटिंग हुई और उसमें किसी ने ये करारदाद पेश की कि शौकत कश्मीरी को सदन कबीले से निकाल दिया जाए क्योंकि इन्होंने कबीले को बदनाम किया। तो नतीजा जिन्होंने रेप किया मारा उनने बदनाम नहीं किया है। हुआ क्या कि उस पे फिर ये हुआ कि जनाब चूंकि वो जब पूरी जिरगा बरादरी थी उसमें जो सहसा से ताल्लुक रखने वाले लोग थे प्लंदरी से अजीरा से, तो वहां खैर कुछ लोगों ने इस पे स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि भाई करें जुर्म आप और नकालें उस आदमी को जो मजलूम के हक की बात करता हो, जो इस बेहयाई और इस जबर के खिलाफ आवाज उठाए। खैर वो चीज नहीं हुई। खैर काफी अरसे तक लोग कहते रहे हम इसको सजा देंगे हम इसको मारेंगे। खैर मैं तो ब्रावला कोर्ट में ही प्रैक्टिस भी करता था, एनीहो बात दूसरी तरफ चली गई। ना ऐसा करते हैं कि इसको ना थोड़ा सा आगे ले जाएं भाई, यानी ये तो साबित ही हुआ ना कि आपकी इन्वर्टेड को अर्थ दूं या एक्शन से उस वक्त भी लोग जो हैं कबीले के हों या उस सोसाइटी थी वो नाराज होती थी और गिले शिकवे होते थे। तो हमेशा जो लोग दूसरों के हक के लिए बात करते हैं उनको इन्हीं मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि मैट्रिक के बाद आपने क्या किया। नहीं मैं मैट्रिक से पहले एक छोटी सी बात आपसे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बात कर लूँ। तो जब हम मैट्रिक में वो हुए तो मैट्रिक में चूंकि क्लासें दो तरह की, एक आर्ट्स के सब्जेक्ट की क्लासें अलग होती थी और साइंस के सब्जेक्ट की, तो मैंने साइंस के सब्जेक्ट की मैं लिया। और जाहिर है कि उस वक्त जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप एक ही होता था, उसी में सारे सब्जेक्ट पाए जाते थे ताकि मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स को प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल ग्रुप में जाने के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन इसी असना में हम लोगों ने एक तहरीक शुरू की कि चूंकि तरड़खल एक बड़ा एरिया उसके साथ लगता है तो लिहाजा यहाँ कॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक तहरीक शुरू की कि तराड़खल हाई स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया जाए। और उस वक्त हमारे एमएलए होते थे सरदार खान बहादुर खान साहब, और कुछ खड़पैंचों को जो अमूमी तौर पर हर वजीर या हर जो हर 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 टाउन में कुछ लोग होते हैं जो हर हुकूमत को आने वालों का इस्तकबाल करते हैं और हर जाने वाले को खुदा हाफिज कहते हैं, तो हमारे यहाँ ये है कि उन्होंने बड़ा बुरा बनाया सरदार खान बहादुर खान साहब ने कि मैं एमएलए हूँ और इन स्टूडेंट्स ने ये जुरत कैसे की कि ये मुजाहरा करें और ये कॉलेज की डिमांड करें। इसी असना में हजीरा में भी ये तहरीक चल गई। अब जाहिर है कि वो चूंकि हजीरा और ये जो हमारा हल्का नंबर दो है
जो हजीरा भी मरकज है और तराड़खल भी मरकज है, तो इलेक्टेड मेंबर्स की एक ये भी पोजीशन होती है कि वो किसी एक सेंटर का चूंकि उसने वोट लिए वोट हैं, तो उनके लिए ये खासी मुश्किल थी कि वो हजीरा तराड़खल के मुतालबे को ऑन करें या हजीरा वाले को। तो इसी असना में वजीर तालीम जो है वो सरदार यूसुफ खान जो है वो आए, और खास में जब ये चूंकि काफी अरसा कोई तकरीबन 2-3 महीने ये तहरीक हम लोगों ने चलाई, क्लासें अटेंड करते थे, फिर क्लासों का बाइकॉट करके फिर आके जो है ना पूरे शहर का राउंड नारे लगाते थे। और तो इसी असना में उस वक्त हमारे वजीर तालीम होते थे सरदार हैं यूसुफ खान साहब जिनका बाग से ताल्लुक है, तो उनका दौरा तराड़खल का हुआ, तो हम लोगों ने जो है वो जो ही हमें पता चला तो हम तराड़खल में आके हमने सड़क ब्लॉक कर दी, ये जो चार चनार वहां हैं और साथ में महाराजा के वक्त का एक रेस्ट हाउस है जिसमें आम तौर पर आके तो जो भी कोई वजीर हो मशीर हो कोई सरकारी अफसर हो वो आके वहां बैठता, तो उससे पहले हमने आके तो सड़क पे हम बैठ गए। खैर बहुत सारे मस्जिद ने कोशिश की कि हम सड़क को खोल दें और उनको उन्होंने धमकियां भी दी और खास करके कहते थे हम इनको इतनी पिटाई लगाएंगे कि इनको भविष्य नहीं आएगा। एनी हो हम लोग नहीं उठे, तो यूसुफ खान साहब बड़े मेहरबान थे, वो आए, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने बच्चों से मिलूंगा, और जब हमने कहा कि हमारा ये मतालबा है और हमने पूरी फिगर के साथ उनको बताया कि यहाँ इतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये जब मैट्रिक के बाद इनको कॉलेज वो नहीं होगा, तो वालदैन गरीब वालदैन हैं वो ये अफोर्ड नहीं करते कि उनके बच्चे दूर दराज जगहों पर जाके पढ़ें और वो हॉस्टल्स में रहें, तो यहाँ कॉलेज होना चाहिए। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ हम इसको कॉलेज का दर्जा देंगे, जो बाद में मतलब हमारे यहाँ अमूमी तौर पर वादे वाहिद होते हैं लेकिन उन पे अमल दरामद जो है ना वो कोई 2-3 साल के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। तो बहरहाल हम मैट्रिक करके फारग हो गए, और मैट्रिक के बाद मैं तो अब चॉइस ये थी कि कहाँ दाखिला लिया जाए, तो मेरे भाइयों की ये ख्वाहिश थी क्योंकि मेरे भाई जो है सरदार पारस खान और अब्दुल अजीज खान ये कराची में छोटा सा कारोबार करते थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके पास चला जाऊं और वहीं कराची में बाकी तालीम जारी रखूं। वालिद साहब ये चाहते थे कि मैं या तो रावलकोट कॉलेज में ले लूं या पलंदरी कॉलेज में ले लूं, यहीं पढ़ूं ताकि हफ्ते के लिए वापस आ जाऊं। बहरहाल मेरा भी वो ये था कि भाइयों के पास जाने का एक शौक भी था, कोई कराची के बारे में तो मेरा कोई शौक था, बड़ा शहर है देखें कैसा होता है कैसा नहीं है, और खास करके जो है वो चूंकि हमारे गांव के बहुत सारे लोग कराची में कोई छोटा मोटा कोई कारोबार करते थे, मुलाजमतें करते थे, चूंकि आजाद कश्मीर में तो आज भी लोगों को पत्थर तोड़ने के अलावा कोई रोजगार नहीं है, तो लिहाजा मोस्टली लोग वहां से जब आते थे तो वो बड़े अच्छे कपड़े और तो ये चीजें भी बड़े भाई से कशिश होती थी कि भाई उस शहर में चले जिसने लोगों को इतना फैसिलिटेट किया है कि ये अच्छे कपड़े पहनने की पोजीशन में है, ये अपने खानदान के लिए अच्छे कपड़े लाते हैं, अच्छी चीजें लाते हैं। उस लिहाज से आजकल जैसे दुबई जाते हैं या कतर जाते हैं दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उस वक्त कराची जाकर लोग खुशहाली होती थी, अच्छे कपड़े होते थे, तो एक लिहाज से दूसरे लोगों को इनकरेजमेंट मिलती थी। जी मोस्टली लोगों का जो है वो ये होता था, जो लोग खास करके होटलिंग वगैरह में वो करते थे शायद वो पिंडी में भी थे, लाहौर में भी थे, पंजाब के दीगर शहरों में, चूंकि पूरे आजाद कश्मीर में आज भी ये नहीं, आप ये समझें कि 73 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ कोई रोजगार नहीं है, तो लोग जो है वो अमूमन रोजगार की तलाश में, और जमीनें लोगों की जो है पहले तो यही जमीनें थी जिनपे लोगों का इनसार था, लेकिन यहाँ इस तरह की खादें इस्तेमाल की गई कि जिसकी वजह से जमीनों की जो पैदावार है वो भी कम हो गई, और फिर ये है कि तो लिहाजा लोगों को आप ये समझें कि रूह और तन का रिश्ता बरकरार रखने के लिए आमतौर पर हिजरत ही करनी पड़ती थी, तो कराची इस लिहाज से ज्यादा कंफर्टेबल लोगों को था, हालांकि कराची बहुत दूर था लेकिन वहां रोजगार आसानी के साथ मिल जाता था बनिस्बत लाहौर या रावलपिंडी या पेशावर इस तरफ के, तो जो कराची लोग ज्यादा जाते थे और कराची का नाम बहुत मशहूर था हमारे गांव में इसी वजह से कि लोग वहां जाते थे, तो मैंने भी अपनी इसी ख्वाहिश का इजहार किया और वालिद साहब को कहा कि मुझे
जाने दें। तो मेरे वालिद साहब की बहरहाल एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हम चाहे भूखे रहें चाहे अपनी तमाम तर जरूरतों को जो है वो तज दे दें, लेकिन लेकिन आपने पढ़ना है। और मैं पढ़ाई में खुशकिस्मती आप कह सकते हैं कि अच्छा था, तो नतीजा ये है कि मैं फिर कराची चला गया। और कराची में जाके तो मेरा दाखला जो है अब किसी साइंस कॉलेज में लेना था, तो उस वक्त कराची के 3-4 बड़े मशहूर कॉलेज होते थे। डीजी साइंस कॉलेज होता था, नेशनल कॉलेज होता था, और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज नाजमाबाद होता था। तो जहाँ हमारी राइश थी पाक कॉलोनी, तो उसके नज़दीक तरीन जो कॉलेज पढ़ता था वो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज नाजमाबाद था। तो मैं, मेरे भाई मुझे ले गए, और इतफाक से उस वक्त जब दाखिलों का टाइम होता था ना, तो वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने स्टार लगाती थी, और वहीं से आप फॉर्म लेते थे। कोई ना कोई सीनियर तालिबे इल्म आपको रहनमाई करता था फॉर्म फिल करने में, फिर वहां से वो जमा कराने के लिए। तो मैं इतफाक वहाँ एनएसएफ पाकिस्तान का जो है ना वो स्टॉल भी लगा हुआ था, और इस्लामी जमीयत तलबा का भी। तो मैं और मेरे भाई जो है वो सीधे जो है वो एनएसएफ के स्टॉल पे गए। तो वहाँ जो हमारे जनरल सेक्रेटरी होते थे सलीम अहमद सिद्दीकी, तो उन्होंने बड़ी रहनमाई, बड़ी प्यार और शफकत से वो मिले, और उसके बाद उन्होंने फॉर्म, तो मैं किस्सा मुख्तसर ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया फर्स्ट ईयर साइंस प्री मेडिकल ग्रुप में। तो इस तरह यानी यूँ समझें कि बाकी तालीम फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ही BSc किया, फिर MSc में दाखिला लिया। लेकिन बाद अजां मेरे असातिज़ा ने मेरे रुझान को देख के मुझे एडवाइस किया कि आप को तो कोई मुलाजमत मिलेगी नहीं, तो साइंस पढ़ने की आप क्यों जहमत कर रहे हैं। और बल्कि मुझे आज भी याद है कि एक टीचर ने कहा कि तुम्हारे एक लीडर ने भी जो है वो MSc की थी, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली थी, और MSc करने के बावजूद भी, जबकि उस वक्त खाल खाल लोग जो है वो इतनी आला तालीम होती थी उनके पास, तो उनको प्राइमरी टीचर भर्ती होना पड़ा था। तो क्या तुम भी ये चाहते हो कि वहां जाके कुछ किसी प्राइमरी स्कूल, और फिर उसके लिए भी जो सिफारशें और जो किसी मुअस्सर लीडर की उंगली पकड़ना पड़ती है। तो मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग इतना तजर्बा नहीं था कि जॉब लेने के लिए इतनी बड़ी मुश्किलात का भी वो करना पड़ा, यानी हालांकि मैं यानी फ्रीक्वेंटली छुट्टियों में जो है वो कश्मीर जाता था। तो वहाँ वो हुआ, तो पहली क्लास में नहीं, इसमें थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, देखिए बात ये आती है कि आपका नाम है शौकत अली, आजकल आप शौकत अली कश्मीरी हैं, इसके एक बैकग्राउंड है। तो मैं ये जानना चाहूंगा या लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है, वादी वाले कहते हैं जी आप तो कश्मीरी नहीं है, आप तो या सूदन है या पहाड़िया कहते हैं या कुछ भी कह लेते हैं हमें, लेकिन आप शौकत अली से शौकत अली कश्मीरी कैसे बने? डॉक्टर साहब, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम अपने गाँव में थे या त्राड़खंड में थे, तो हमारे यहाँ भी अमूमी यही तस्वर लिया जाता था कि वो लोग जो श्रीनगर से या जम्मू से या उधर से हाजिर, इरिस्पेक्टिव कि उनमें से कोई कश्मीरी बोलना जानता है या नहीं जानता, वो उसका कोई कबीला हो, वो चाहे गुज्जर हो या वो सैयद हो या डार हो या कोई हो, उनको आम तौर पर जो लोकल लोग थे वो कश्मीरी कहते थे। और मोस्टली मतलब यह है कि जब जो जो ख्वाजा बरादरी होती थी उनको खुसूसियत के साथ कश्मीरी कहा जाता था। हमारे यहाँ जो है वो कबीलों का तसव्वुर ज्यादा था, मतलब ये फलां सुद्दन है तो फलां सैयद है तो फलां गुज्जर है तो फलां जाट है, और ये एक तरह का ये तसव्वुर ज्यादा गहरा था बनिस्बत इसके कि कोई कुमियती तसव्वुर या कोई रियासती बयानिया उस वक्त तो हमारे सामने था ही नहीं, चूंकि ये सारा इलाका जो है इस इलाके के अंदर जो प्रिवेल पॉलिटिकल जो नैरेटिव था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का था, चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यानी दो पॉलिटिकल पार्टीज थी इस खिते के अंदर, और खास करके हमारे त्राड़खंड में एक ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जो हेडेड बाई सरदार अब्दुल कयूम खान थी, और दूसरी आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जिसके सरबराह जो है वो उस वक्त है सरदार इब्राहिम खान साहब थे, लेट टी चौधरी नूर हुसैन साहब उसके प्रेसिडेंट बने। अच्छा, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का
बाद में हम बात करेंगे ये जात कैसे हुई। अरे जी, ये इसमें जरूर आप याद रखिएगा, मैं आपको इस पर तफसील बताऊंगा। तो लेकिन ये एरिया जिसको हम खास करके तहसील रावला कोट, तहसील पलंदरी और त्राड़खैल के गिरदोनवा, यहाँ जो है वो सरदार इब्राहिम साहब के फॉलोवर, चूंकि सौदन कबीले के लोग भी ज्यादा इस इलाके में हैं, और यहाँ जो है वो सरदार इब्राहिम जो है वो अनडाउटली एक लीडर थे। फिर वो प्री पार्टीशन भी चूंकि इस इलाके के एक मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर है, तो उनकी एक असरसूह मौजूद था। तो नतीजा ये है कि वो हमें तो ये वो उस वक्त की यही स्टोरीज होती थी, हमने डोगरों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी, हमने इस खित्ते को आजाद करवाया और इसको पाकिस्तान के साथ शामिल करने के लिए और पाकिस्तान की तहरीक। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारी हमारे पास ना कोई तारीख थी, ना कोई ज्योग्राफिया था, ना कोई हमारे सवालात थे, हमारे जो सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट्स में जो है वो कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन ये लीडरों की तकरीरें या गांव में कहीं बहस मबस हो तो वो नैरेटिव जो है वो ऐसा नहीं था कि जिस नैरेटिव की बुनियाद पे हमें कोई कश्मीरियत का या स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का कोई कंसेप्ट उभरे। और अमूमी तौर पर जब कभी भी खास करके हम मैट्रिक में जलसा पढ़ते थे तो उस वक्त जलसा जुलूसों में भी जाते थे और वहाँ भी यही होता था कि जी हमें जो है वो 75 लाख नानकशाही में भेड़ बकरियों की तरह खरीद लिया गया। तो सो दैट मतलब यह है कि यानी डोगरों का या खास करके जो जो रियासत बनाने का जो अमल था और रियासत के शहरी होने के जो सवाल था, ये कोई हमें कंसेप्ट नहीं था, बल्कि उसी प्रोपोगंडे के अंदर हमारी ग्रोथ हुई और कोई खास किस्म का कोई कोई नजरिया लेके नहीं आए। ये जो आपने सवाल किया, इस सवाल की जो पस मंजर है वो ये है कि जब क्लासें होती हैं तो इब्तदाई क्लासों में यानी जो जो पहली क्लास होती है तो उस क्लास में सारे स्टूडेंट्स अपना अपना तारफ कराते हैं, मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं रहता कहाँ हूँ, अभी कराची में कहाँ रहता हूँ, ये सब ओरिजिनली मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैंने बड़ी अपनी जो सिंपल तरीके से वो किया, मेरा ये नाम है शौकत अली मुझे कहते हैं और मैं त्राड़खल आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं पाक कॉलोनी में रहता हूँ, इतना सा मैंने तारफ कराया। मेरे साथ ही एक एक कुर्सी छोड़ के या दो कुर्सियां छोड़ के तो हमारा एक है दोस्त जो उधर ही त्राड़खल से ही ताल्लुक रखता था और इत्तेफाक से हम वहां त्राड़खल में हाई स्कूल में हम क्लास फेलो थे, तो यहाँ भी हम जो है वो एक ही कॉलेज में, यानी कॉलेज फेलो भी हो गए और क्लास फेलो भी, चूंकि वो भी साइंस का स्टूडेंट था और बहुत अच्छे लाइक स्टूडेंट थे। तो उनसे जब वो हुआ तो उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम ये है और मैं मेरा ताल्लुक रुआत से है। तो मुझे बहुत हैरत हुई, जो रावलपिंडी के करीब है, रावलपिंडी के करीब है, मुझे बहुत हैरत हुई कि ये तो बंजूसा के रहने वाले हैं, मैं इनके घर भी कई दफा गया हूँ, इनके वालदेन से भी मिला हूँ, इनके भाइयों से भी मिला हूँ, तो ये क्या अजीबो गरीब तारफ इन्होंने करवाया। तो एनी हो मैं इस इंतजार में था कि क्लास खत्म हो तो मैं पूछूं। तो जो ही क्लास खत्म हुई, हमारी पहली क्लास जो है वो बॉटनी की थी, साइंस सब्जेक्ट की थी, तो मैं जब बाहर निकले, चूंकि 10 मिनट का वक्फा होता था हर पीरियड के बाद, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब आपने ये क्या मतलब अपना तारफ कराया है, आप रवात कब से शिफ्ट हुए? तो उन्होंने अपनी जो जो हमारी पुंछी जबान में कहा कि कल पता लगी है सही। अच्छा, मैंने उनसे कहा कल क्या पता चलेगा भाई, आपने ये क्यों झूठ बोला? मैंने एक तरह का सख्ती से मतलब उनको किया, लेकिन वो मुस्कुराते रहे मुसलसल और मेरे सवाल का कि इस सब्जेक्ट पे कल बात करेंगे। मुझे छोटी मोटी हैरत हुई लेकिन मुझे कोई उस पर कोई वो खास रिएक्शन नहीं हुआ। तो दूसरे दिन जिस वक्त क्लास स्टार्ट हुई तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने हर एक से वो पूछते थे, किसी का नाम रजा था, किसी का नकवी, किसी का अली, किसी का जाफरी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी क्रेशी। तो मुझे उन्होंने जब मुखातब किया और मुझे कहा, या जिसका नाम नहीं जानते थे उसको कहते थे यू मिस्टर स्टैंड अप,
तो मुझे उन्होंने कहा कि यू मिस्टर कश्मीरी स्टैंड अप। तो जब यू मिस्टर कश्मीरी स्टैंड अप हुए तो पूरी क्लास जो है जैसे कोई बहुत ही कोई अजीब और गरीब कोई चीज है क्लास में आ गई है, तो सब मुझे देखने लगे। और यकीनन हमारे उस्ताद का कोई रवैया कोई मतलब कोई वो किसी तस्सुर पे मबनी नहीं था, और ना बाद अजां जो उनका वो हुआ वो बहुत मेरे साथ फ्रेंडली और बहुत शफीक उस्ताद थे। लेकिन उन्होंने ये मेरे बॉटनी के टीचर ने यूं समझे कि मेरे नाम के साथ कश्मीरी लगा दिया, उन्होंने यू मिस्टर कश्मीरी कह के कहा। तो जो ही क्लास खत्म हुई तो हमारी क्लास तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 55-60 के करीब जो है वो स्टूडेंट होते थे। तो मेरे उस दोस्त को छोड़ के तो बाकी कोई ऐसा हमारा कोलीग नहीं था जिसने जो है वो कोई ना कोई तंज ना किया हो मेरी कश्मीरियत पे। और मुझे कश्मीरियत का कोई मुझे कोई इल्म ही नहीं है, ना कोई एहसास है और ना कुछ। मैंने तो सिंपली एड्रेस बताया, और ना मैं उस वक्त तक ये समझता था कि कोई आजाद कश्मीर जो है वो कोई पाकिस्तान से अलग थलग कोई चीज है। बहरहाल वो जनाब मजाके मैं जनाब जिस आदमी ने कभी जिंदगी में कोई ह्यूमिलेशन फेस ना की हो, कभी किसी ने तू करके ना कहो, अब वो जनाब मेरी कौमियत के यानी कौमियत कभी जिस बंदे को कोई तसव्वुर ना हो लेकिन जय पैदाश की बुनियाद पे उसको उसको तजीक का निशाना बनाना और उस पर जुमले कसना, ये मुझे बड़ा सख्त ना हुआ था। और मैं उसी दिन जिस वक्त हमारी यानी क्लासेस खत्म हुई और वापस आया तो मैंने बहुत इस पे सोचा और नतीजा यह है कि मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं शौकत अली नहीं, शौकत अली कश्मीरी हूं। अच्छा। लेकिन मेरे उन कोलीग्स ने पूरे कॉलेज के अंदर मशहूर कर दिया कि एक कश्मीरी हमारे कॉलेज में है, और सब मिलने के लिए मुझे आए जो सीनियर से। उन्होंने तो कोई कोई तजीक या कोई जुमला नहीं कसा, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मुझे कहा कि अगर कोई आपको किसी चीज की जरूरत हो, कोई बात हो, हमें बताएं। लेकिन यह है कि जो मेरे दोस्त अहबाब थे, जो मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने मेरी सख्त किस्म की तजीक की मेरी जाय पैदाश की बुनियाद पर। और उस वक्त से लेके यानी ये कोई पढ़ी लिखी कोई सोच समझ के कोई मैंने अपने आप को या कोई मादरे वतन की किसी मोहब्बत के जज्बे के तहत नहीं, मतलब मैं आज ये कहूँ कि मैं तो मैट्रिक में ही या फर्स्ट ईयर में ही मैं नो, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे पास जो है वो उस वक्त कश्मीर का कोई इल्म ही नहीं था, कोई शौहर ही नहीं था, कोई अदराक ही नहीं था, लेकिन मैंने अपने नाम के साथ कश्मीरी लगा लिया। अब जब कश्मीरी लगा लिया और मैंने कहा कि मुझे इस पर फख्र है अपनी जाय पैदाश पे, मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा तहकीक भी करना शुरू कर दी कि रियासत जम्मू कश्मीर क्या है। बहरहाल ये लंबी कहानी है, लेकिन कश्मीरी मेरा नाम इस वजह से पड़ा। और आज मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमारा तारफ जो है, आप अगर किसी को लाहौर में जाके कहें कि मैं मीरपुरी हूँ या मीरपुर से हूँ, हमारा रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी अजला से हम तल्लक रखते हूँ, विद इन कंट्री तो हमारा तारफ है कि मैं पुंछ से हूँ, आप मीरपुर से हैं, या मैं पुंछी हूँ, आप बिम्बरी हैं, बिम्बर से हैं, दूसरा मुजफ्फराबादी है, तीसरा किसी और से है। लेकिन जब हम आउटसाइड यानी अपने अपने जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से से बाहर जाते हैं तो आप बेशक मीरपुरी कहेंगे, वो पूछेंगे मीरपुर का, पूरा तारफ कराना पड़ेगा आपको, पूरा जुग्राफिया बयान करना पड़ेगा। लेकिन सिंपली अगर आप ये कहते हैं कि मैं कश्मीर से हूँ तो लोग ये जानते हैं कि हाँ ये तो हमारा आउटसाइड रियासत जम्मू कश्मीर, मैं समझता हूँ कि हमारा तारफ जो है वो कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर काफी प्रोजेक्टिव नेम है, क्योंकि कश्मीर जो उस ये कहा जा सकता है कि आपके नेशनलिज्म को उजागर करने में वहाँ के जो दोस्त थे आपके क्लासरूम मेट्स थे उनका भी कुछ किरदार है। मैं अपना इतराफ करता हूँ कि जब मैं यहाँ बरतानिया में आया छोटा बच्चा था, यानी जब मैं आया उस वक्त मैं भी इस लिहाज से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाता था स्कूल में, ठीक है। जब यहाँ से मैं वापस गया 1971 के एंड पर 72 के बिगिनिंग में, तो उस वक्त मैं पाकिस्तानी नहीं
एक कश्मीरी बनकर गया था। उसकी मेन वजह यह हुई थी कि मेरे साथ भी बड़ा नारवास सलूक किया गया। खास तौर पर मैं कहूँगा कि गुजर खान और रावलपिंडी के जो लोग थे ना हैलिफैक्स में, यॉर्कशायर इंग्लैंड में, उनका रवैया होता था उसको, चूंकि हम मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, मेंबर नहीं बना था अभी, तो हम सब को कहते थे मीरप्रिय, वो जी मीरप्रिय आ गया गा। तो ही मेज इन ये होता था कि एक किसी की इंसल्ट करनी हो इस तरह बात करते थे। और आस्ता आस्ता उन्हें क्या, उस वक्त हमारे मेजोरिटी लोग थे अनपढ़ भी थे यहाँ पर, तो जो गुजर खान या रावलपिंडी के लोग थे वो निस्बतन ज्यादा पढ़े थे, तो जो उनका अंदाज था बात करने का वो मुझे बाद में मखर में लगाया करते थे। स्कूल में भी मैंने देखा ये अशर, तो फिर मैं तो रिबेलियस था, तो मैं तो उसकी जवाब देता, उनसे लड़ाई करता, फिजिकली लड़ाई करता था मैं तो। और फिर बात यह हुई कि फिर मैंने थोड़ी सी इस पर थोड़ी सी अपने सीनियर लोगों से पूछना शुरू किया, तो फिर पता चला कि हमारा तो रियासत जम्मू कश्मीर से और आजाद कश्मीर से है, वो इसमें चौधरी अब्दुल रहमान है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हमसे सीनियर थे, वो स्कूल में नहीं पढ़ते थे, वो उधर से पढ़कर आए थे मैट्रिक, तो उन्होंने कुछ रहनमाई की, वो दूसरे दोस्तों से मिले, तो फिर जो है ना जो मेरे अंदर का नेशनलिज्म है वो बाहर आ गई। और सबसे पहले इसको तो आपको भी कहा जाता है, मुझे भी कहा जाता है, मैंने 73 में एक छोटा सा आर्टिकल लिखा, ठीक है, उस वक्त मुझे कुछ ने कहा जी वो इंडियन एजेंट हो गया जी, मैंने कुछ सवाल किए थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान पे ये आप क्या किया, ये क्या किया, तो मतलब ये कहने का है कि मुझे नेशनलिस्ट बनाने में रावलपिंडी और गुजर खान के लोगों का भी बड़ा किरदार था। हम इसमें ख्याल में शोक साहब एक घंटा तकरीबन हो गया है, इसको हम यहाँ पर ही रहने देते हैं, तो इसी को आके अगर आप पसंद करें इजाजत दें तो इसको जो है ना सेकंड पार्ट जो है हम म्यूचुअली एग्री करेंगे कि कब शुरू करना और फिर दोबारा इसको जारी रखें। और यहाँ से शुरू करेंगे कि आप शौकत अली से शौकत अली कश्मीरी बन गए और आप उस वक्त नाजमाबाद के कॉलेज में थे, वहां से आके से शुरू करेंगे, वहां से आपने क्या सीखा और क्या क्या चीजें हुई। ठीक है जनाब, नाजरीन मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए भी होगा, तो इसी पर खत्म करते हैं। तो नाजरीन आई होप के आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हुआ होगा कि किस बैकग्राउंड से हमारा तलक है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बचपन से ही नेशनलिस्ट थे, हालात ने हमें नेशनलिस्ट बना दिया। I leave it at that and hopefully I'll see you with another program with Shaukat Ali Kashmiri sahab, aur inke alawa bhi dusron se program karta rahunga inshaallah. To hamari taraf se aap sabko khuda hafiz.